हेलो बॉयज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे जो हैं खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा। आज हम जा रहे हैं, एक दोस्त है मेरा, बेसिकली हम पांच दोस्तों का ग्रुप है जो हम MBBS कर रहे हैं। MBBS हम कर रहे हैं फोर्थ ईयर में, 2022 में हम फोर्थ ईयर में हैं। 5 साल का MBBS होता है और जिसको कहते हैं, हाँ हम कर रहे हैं RMDC से, रैबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, वहाँ से हम MBBS कर रहे हैं फोर्थ ईयर में। उस और ना गाड़ी क्रॉस कर रही थी इसलिए मैंने ज़रा चुप कर गया। तो अब हम उसमें से एक दोस्त है हमारा हसान, उसका फैसलाबाद के करीब जो है गांव है, उसने वहाँ पे नया घर अपना बनाया है। तो उसने आज हमें इन्वाइट किया कि आप लोग आओ उसकी तरफ, हम उसकी तरफ जा रहे हैं और वहाँ से अपने वो गांव लेके जाएगा हमें, हम सारा वहाँ पे घूमेंगे। मैंने सोचा कि एक व्लॉग बनाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं उसका गांव और वहाँ पे जो जो अरेंजमेंट उसने हमारे लिए की है। अभी मैं अपनी गाड़ी निकाली है, एक दोस्त की तरफ जाना है, उस दोस्त के साथ फिर हसान की तरफ जाना है इसलिए ज़रा हमने भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो चेंज करनी है। कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी हैं और 210 का पर लीटर कॉस्ट करता है अब नॉर्मल फ्यूल। हाई ऑक्टेन जाहिर सी बात है इसी ऊपर ही होगा। तो कल आ रहा था आपके भाई ने, ये आप देखें किधर गया ये, ठीक है, आपके भाई ने कल रात लाइन में लग के एक घंटा लगा होगा, एक घंटे में फ्यूल टैंक फुल करवाया और आपके भाई ने 1000 रुपया बचा लिया अगर आपके रेट से कंपेयर करें। उसके अलावा ये इंजन लाइट भी आ गई ऑरेंज कलर की, आई थिंक सो गाड़ी को मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो इस टाइम तो नहीं करवाएंगे, फ्यूचर में जब इसका ऑयल चेंज मुकम्मल होगा तब कराएंगे। तब तक के लिए इसके ना उंगली रख लेंगे आगे ताकि जो है नज़र ना आए। बैग मैंने अपना साथ ही पकड़ लिया और इसमें कुछ GoPro का सामान वगैरह ही है। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी सदर, यहाँ पे मेरा दोस्त राफी रहता है। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं उसे मिलने। अच्छा, तो गाइस मैंने राफी को पिक किया, वहाब को पिक किया, अब हम आ गए हैं हसान की तरफ, यहाँ से उसकी गाड़ी में बैठ के अब हम आगे फर्दर चलते हैं उसके गांव। नहीं लेकिन हाथ हो रहे देखो ना कुछ चला रहे। अब हम कहाँ उतरे? ननकाना साहब इंटरचेंज, यहाँ पे हम उतरे हैं और 120 इन्होंने हमसे चार्ज किया। अब हम यहाँ पे रुके हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, यहाँ से तकरीबन 15 से 20 मिनट का सफ़र हो रहा है। तो एक डेढ़ घंटे की ड्राइव के बाद हम इधर आ गए हैं। ये हसान का ही पंप है और अब ऑफिस में इसके बैठेंगे, खाना शाना खाते हैं, फिर आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे। सो हम बेसिकली हसान का नया घर देखने के लिए आए हैं। तो माशाल्लाह घर बहुत खूबसूरत है इसका। अब हम टेरेस पे हैं ऊपर, सॉरी छत पे हैं, तो ऊपर से मैंने कहा आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर किसको क्या पता है छत पे कैसे जाना? कहता उसने उसने मुझे जो कहा, मैंने कहा अहमद कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। इधर कैसा लगा आपको इनका घर? माना वाला दोस्त की तरफ अच्छी जगह है माशाल्लाह, घर भी अच्छा बनाया। Thank you.
अब हसान हमें अपनी ज़मीनें वगैरह दिखा रहा है सारी। अच्छा तो यहाँ पे अब MNA साहब है, वहाँ पे हम जा रहे हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया अपने डेरे पे, तो ये थोड़ी सी हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं करोला पे। यहाँ पे हम वहाँ जा रहे हैं, इधर कुछ ट्यूबवेल पे नहाएंगे और आपको जो है वो फर्दर ना कर यार। यहाँ पे हम आए लेकिन हमारे पास कपड़े नहीं है, अब हम जा रहे हैं ट्यूबवेल पे, वहाँ पे कुछ देखते हैं क्या सीन बनता है। ये जी इंटो का भट्टा है जी, सान यूसुफ के किसी अजीज का। अगला जी भी अलग सिस्टम होगा, सिर्फ इतो तक ही है ये पानी बना हुआ ना, देखे ना ईंटों का पानी बना हुआ, एक दफा पानी बनता है इसका, ये पानी नहीं जैसे लोहा पिघल जाता है, यहाँ पे किनारे वाली ना इसके इतना टेम्परेचर आपको पत्थर को आग लगी, पत्थर है ना कोयला, इतना टेम्परेचर इसके अंदर कि गिरता गया और आग लगी, और आग लगी, आग लगी थी इसके ऊपर, नहीं पहुंच रहा इसके अंदर से, ये देखे ना ये धुआं इसके अंदर से लाइन बनी हुई है, गर्म है, गर्म नहीं कोयला है ना, नहीं हाथ को नहीं लगेगा, ये दूसरा कोयला पत्थर है, ये तो ये कौन सा कोई लकड़ी वाला कोयला है, ये जो कहां से निकलता है बलूचिस्तान से, ये जो एक ये ढक्कन है इनके जमीन से, इनके पत्थर की किस्म। तो अब हम सारा कुछ देखने के बाद वापिस आए, अब खाने पीने का प्रोग्राम है, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो अब हम खाना खाने के लिए आए हैं, ये रेस्टोरेंट है, सिटिंग MPA हैं इधर के, तो उनका अपना रेस्टोरेंट है, सरेरा सरेरा रेस्टोरेंट का नाम है, इनकी अपनी बेकरी है, साथ ही इनकी एक मस्जिद है और साथ ही रेस्टोरेंट है, तब हम रेस्टोरेंट चलते हैं, चलो चल चल चल। हमने मखनी हांडी और एक चाइनीज और रेशमी कबाब ऑर्डर की।
सही साफ होते हैं। मुझे अपना शादी वाली फील आ रही है। अंगूठी कौन ढूंढेगा? कब ढूंढेंगे? मैं अंगूठी में कब ढूंढूंगा? कौन कौन सी? सो गाइस, तकरीबन 12 बजे के करीब हम अब लाहौर आ गए। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें। इस वक्त गला भी फुल बैठ गया और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।